मूर्तिजापुर से छत्रपति संभाजीनगर जा रही बस में यात्रा करने वाले यात्री की बैग से अज्ञात शातिर उचक्कों ने सोने के गहने तथा 2,80,000 की नगद राशि हाथों हाथ पार कर दी थी। घटना के 10 दिनों बाद पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए हरियाणा से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे चोरी का माल बरामद किया। 10 फरवरी को अकुला से छत्रपति संभाजीनगर अपने नजदीकी रिश्तेदार के घर सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे अकुला निवासी व्यवसाय से ठेकेदार सतीश बाबूराव गंगाली की बैग से अज्ञात शातिर उचक्कों ने सोने के गहने तथा 28 लाख की नगद राशि हाथों हाथ पार कर दी थी। सतीश गंगाले अपने परिवार के साथ बस में बैठने के बाद बस जैसे ही बस स्थानक से चली वैसे ही वाशिम बाईपास के पास 4 से 5 लोग हमें वाशिम जाना है यह कहकर वाशिम बाईपास पर उतर गए। इससे पूर्व उन्होंने गंगाले की मदद का बहाना बनाते हुए उनकी बैग व अन्य सामान बस में रखने में मदद की थी। जैसे ही अलोक उतरे बस थोड़ी दूर जाने के बाद सतीश गंगाले को संदेह हुआ। उन्होंने अपना बैग खोलकर देखा तब पता चला कि बैग से सोने के गहने व नगद राशि पार कर दी गई है। यह देखकर परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए। घटना की शिकायत सिविल लाइन पुलिस थाने में की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने चोरी में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश पुलिस को दिए थे। पुलिस ने बड़ी शिद्दत से बस थानक वाशिम बाईपास तथा बस थानक के आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाल कर देखने के बाद यह आरोपी हरियाणा राज्य के होने की बात सामने आई। हरियाणा में आरोपी को गिरफ्तार करने गए पुलिस के दल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन दिनों हरियाणा राज्य में किसानों का उग्र आंदोलन चल रहा है जिसके चलते पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। बावजूद इसके पुलिस के दल ने स्थानीय पुलिस की मदद से हिसार जिले के रुड़की निवासी अमित पिता विजेंद्र नामक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे 16.5 लाख के जेवरात तथा 1.5 लाख रूपए नगद इस तरह कुल 18 लाख रूपए का माल बरामद किया। इस तरह की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्रकार परिषद के माध्यम से दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह तथा अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशाखा पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके के नेतृत्व में यह कार्रवाई उपनिरीक्षक गोपाल जाधव हेड कांस्टेबल खुशाल नेमाड़े पुलिस कांस्टेबल वसीमुद्दीन मोहम्मद आमिर आदि ने की। बस स्थानक या रेल स्थानक पर यात्रा करने वाले वृद्ध व्यक्ति पर नजर रखकर चोरी को अंजाम देने का काम यह गिरोह करता है ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ने दी। 10 फरवरी 2024 सिविल लाइन से अधीन फिरियादी सतीश बाबूराव गंगाले यानी तक्रार दिली होती कि एक बस स्टैंड वर बस मध्ये प्रवास करताना त्याचे सोने व दागिने तसेच रोख रक्कम 13 लाख हे अज्ञात चोरट्याने चोरून गेले होते। मोठी रक्कम असून यामध्ये एनसीबीचे पथकाने आम्ही आदेशित केले होते। सदर पथकाने जवळपासचे जिले तसेच बाहेर राज्याचे हरियाणामध्ये जाऊन तपास केला असता त्यामध्ये एक आरोपी अमित यांना ताब्यात घेऊन पुढे तपास केली आणि गुन्ह्यामध्ये 100% मुद्देमाल रिकवर झालेला तसेच इतर गुन्ह्याचा पण मुद्देमाल रिकवर झाले। 18 लाख मुद्देमाल त्यामध्ये 16 चांदीचे दागिने तसेच रोख रक्कम 1.5 लाख असे जप्त करण्यात आलेले आहे आणि हे आरोपीच्या आणखी गुन्ह्यामध्ये सहभाग बद्दल आणखी तपास आम्ही करणार आहोत।